तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर भारत के लिए भारत के दोस्त ब्राजील की तरफ से। दरअसल आप सभी को बता दूं कि ब्राजील ने भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी डील साइन कर ली है, जिसके तहत ब्राजील अब भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दरअसल आप सभी को बता दूं कि भारतीय वायुसेना को MTA यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वे एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि करीब 180 क्विंटल से 300 क्विंटल तक का पेलोड लेकर आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, यानी ऐसे जहाज जो कि वायुसेना के हथियारों, गोला बारूद, यहां तक कि रसद और खाने पीने की चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए काम में आते हैं, वो MTA एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। और भारतीय वायुसेना को ऐसे कम से कम 40 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। अब इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3 कंपनियां आगे आई हैं, जिनमें से एक कंपनी ब्राजील की कंपनी एम्ब्रर भी है। और एम्ब्रर भारत के लिए अपने C-390 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रही है। और इसके लिए एम्ब्रर की तरफ से भारत की महिंद्रा कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन भी साइन कर लिया गया है, जिसके तहत यदि भारतीय वायुसेना MTA टेंडर में इस एयरक्राफ्ट को चुनती है C-390 को, तो फिर C-390 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर महिंद्रा कंपनी के द्वारा मिलकर एम्ब्रर भारत में ही बनाएगी। हालांकि अभी तक वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को चुना नहीं गया है, परंतु यदि चुना जाता है तो इसको घरेलू स्तर पर भारत आसानी से बना सकता है और अपने एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।